हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता यानी कि मोनमोन दत्ता के बारे में। गाइस, आप में से बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि अभी कुछ टाइम पहले बबीता जी ने तारक मेहता शो का एक बहुत बड़ा बचाव किया था। यहाँ तक कि शो के ऊपर बैन लगने की खबर भी आ चुकी थी। चलिए बताते हैं कि आखिरकार ये पूरी बात क्या थी। तो वही साहब, वो तारक मेहता का वो वाली स्टोरी तो याद ही होगी जिसमें के गोकुल धाम के सभी सदस्यों ने गणेश चतुर्थी के मौके पर किसी न किसी देव की वेशभूषा रखी थी, जिसमें के जेठलाल एक आम इंसान बना था। जी हाँ, तो हम बात करें उसी स्टोरी की। तो उस स्टोरी के अंदर रोशन सिंह सोडी गुरु गोविंद जी के खालसा के रूप में नजर आते हैं, लेकिन गलत धारणा के चलते इस शो को उस समय बैन करने की मांग की जाने लगी थी। यानी कि आवश्यक कम्युनिटी के लोगों का कहना था कि कोई भी आम इंसान गुरु गोविंद जी का रूप कैसे ले सकता है। तो उस समय मनमोहन ने इस बात को गलत करार देते हुए कहा था कि यहाँ पर गुरुचरण सिंह सोडी गुरु गोविंद सिंह जी नहीं, बल्कि गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा यानी कि उनके भक्त बने थे। इसके साथ ही मनमोहन ने यह भी कहा था कि इस समय कंट्रोवर्सी का विषय बन चुका है और ये सब एक सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। गुरुचरण सिंह खुद एक सिख हैं, वे खुद नहीं चाहेंगे कि देश में दुनिया में कुछ गलत मैसेज जाए और लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचे। मुझे अच्छे से याद है कि उस समय भी हमारी इस सीन को लेकर बात हुई थी और ऐसे में उन्होंने कहा था कि कोई भी गुरु गोविंद सिंह जी का रोल प्ले नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने एक खालसा का रूप लिया था और उन लोगों ने उसी को शूट किया था और उस समय वहाँ पर नीचे लिखा भी आया था, लेकिन वहाँ पर टाइटल्स के चलते वो सीन वो लिखा हुआ कोई पढ़ नहीं पाया था। अगस्त के कम्युनिटी के लोगों ने इस सीन को ध्यान से देखा होता तो वो ये सवाल नहीं उठा पाते। इसके साथ ही मनमोहन ने यह भी कहा कि अगर हमें किसी सीन में कोई प्रॉब्लम लगती है तो हम खुद ही उस सीन को नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुद शो कभी भी किसी को कोई गलत मैसेज नहीं देता। कोई फिलहाल तो उस समय से कम्युनिटी के लोगों ने इस शो पर बैन लगाने की मांग की थी, लेकिन ये सब एक गलत फहमी का हिस्सा निकला। फिलहाल गाइस, आप बताइए इस शो के बारे में आपकी क्या राय है। आप अपने कमेंट्स और रिव्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।